अब आपके सामने ही टाइमर अब ख़त्म हो चुका है। ये आपको अब ये बोलेगा कि आप लोग नया टू स्टेप वेरिफिकेशन पासवर्ड अब बना सकते हैं। जैसे उस OTP को बस आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप लोग कोड डालेंगे आपका पासवर्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का स्वागत है इन दिस पार्ट टू वीडियो। तो दोस्तों, आपने पार्ट वन वीडियो तो देखा ही होगा और मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग कैसे अपने 7 दिनों के बाद अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 7 दिनों का जो टाइमर था वो अब यहाँ पे ख़त्म होने को आ चुका है और केवल अभी यहाँ पे 20 ही सेकेंड बचे हैं। तो बस आपको 20 सेकेंड और इंतज़ार करना है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा लाइव कि कैसे आप लोग अपने पासवर्ड को रिकवर करेंगे, कैसे रीसेट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग को भी इसी तरीके से ठीक 5 मिनट पहले टाइमर ख़त्म होने से अपने मोबाइल टेलीग्राम ऐप को खोल के रखना है, जिससे कि आपका ये छूटे ना अपने पासवर्ड को रिकवर करने वाला चीज़। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब आपके सामने ही टाइमर अब ख़त्म हो चुका है। तो चलिए, मैं अब आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा आखिर तक। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा नीचे में रीसेट पासवर्ड, बस आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बोल रहा है रीसेट पासवर्ड, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट योर टू स्टेप वेरिफिकेशन पासवर्ड। तो आप लोग को बस रीसेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बोल रहा है योर टू स्टेप वेरिफिकेशन पासवर्ड वॉज रीसेट, आप लोग को ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टू स्टेप वेरिफिकेशन पासवर्ड था वो यहाँ पर अब ऑफ हो चुका है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब ऑफ हो चुका है। जैसे आप लोग दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, आपको अब ये बोलेगा कि आप लोग नया टू स्टेप वेरिफिकेशन पासवर्ड अब बना सकते हैं। जैसे आपको सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, फिर आप लोग को नया पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, जो कि अब आपको ध्यान रखना है कि ये पासवर्ड मैंने क्या डाला था, और आप लोग इस पासवर्ड को कहीं पे लिख लीजिए जिससे आप लोग को बार बार रीसेट करना ना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोग को यहाँ पे ऐसा पासवर्ड डालना है जो आपको ध्यान में रहे और आप लोग अपने फ़ोन के अंदर कहीं कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग को बस यहाँ पासवर्ड डालने के बाद आप लोग को एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर से दोबारा से उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर बोलेगा कि आपको हिंट बनाना है, तो आप लोग यहाँ पर हिंट भी डाल दीजिए, जिससे कि आपका अगर पासवर्ड खोता है भी तो आप हिंट की मदद से इस पासवर्ड को रिकवर कर सके। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए हिंट भी आपके सामने डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग को अब बोलेगा रिकवरी ईमेल, तो आप लोग को यहाँ पे एक ऐसा ईमेल देना है जिसकी मदद से आप लोग बाद में अपने पासवर्ड को, अकाउंट को रिकवर कर सके, अगर आप लोग पासवर्ड भूलते हैं तब भी। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे डाल के भी दिखा देता हूँ। जब आप लोग अपना ईमेल डाल देंगे, उसके बाद एरो वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड चल जाएगा अपने रिकवरी ईमेल को वेरीफाई करने के लिए। बस आपको उस OTP को बस आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे मैं अपने जीमेल एप्लीकेशन के अंदर आके देखता हूँ कि OTP आया कि नहीं आया। ठीक है, आप लोग को मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि OTP अभी आ चुका है, कोड है यहाँ पे 587293। बस आप लोग को यही कोड वहाँ पे एंटर कर देना है, 587293। जैसे आप लोग कोड डालेंगे आपका पासवर्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग अपने अकाउंट को भी रिकवर कर सकते हैं इसकी मदद से बाद में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आप लोग पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने आपको लाइव दिखा दिया। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉमेंट करिए, मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक और यूज़फुल कॉन्टेंट के साथ बहुत ही जल्द मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।